महिला एशिया कप का आगाज 1 अक्टूबर यानी कि आज से हो गया है। आपको बता दें कि महिला एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर बल्लेबाज आज जेमिमा रॉड्रिग्स रहीं, जिन्होंने 76 रनों की तूफानी पारी खेली। जेमिमा रॉड्रिग्स ने मात्र 53 गेंदों का सामना करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली। बल्लेबाज की पारी की बात करें तो इस दौरान उन्होंने 11 चौके और एक छक्का भी लगाया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने आज 143.4 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। बता दें, स्मृति मंदाना के सस्ते में आउट होने के बाद टीम इंडिया जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो उस समय जेमिमा रॉड्रिग्स ने ही टीम इंडिया की पारी को संभाला और 150 रन जैसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। 22 साल की इस युवा बल्लेबाज ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 8वां अर्धशतक ठोकते हुए टीम इंडिया को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। भारत इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है, ऐसे में किसी बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी थी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जेमिमा रॉड्रिग्स के इस बड़े योगदान को टीम इंडिया के गेंदबाज सफल बना पाते हैं या फिर आज श्रीलंका किसी और मकसद के साथ मैदान में उतरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।